सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और काफी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। सो गाइस, काफी टाइम हो गया था कि मैंने एक ब्रांड एनालिसिस वीडियो नहीं लाई थी, कि जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इन सभी वीडियोस से अलग हटके होता है। तो मैंने सोचा कि अब एक ब्रांड एनालिसिस वीडियो भी आनी चाहिए, तो इसीलिए आज मैं लाया हूँ विवो का ब्रांड एनालिसिस वीडियो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विवो के स्मार्टफोन्स कितने ज्यादा फेमस हैं एंड उनको डीएसएलआर से कंपेयर किया जाता है, उनके जो कैमराज हैं उनका कंपैरिजन डीएसएलआर से होता है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे विवो स्मार्टफोन मार्केट्स में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो मैंने किसी तरीके से शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स बाय। सो गाइस, 2009 में शेन वी ने विवो की स्थापना की थी एंड 2011 से विवो ने अपने स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में सोल्ड करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग विवो की बात करें, तो जब भी हम लोग नाम सुनते हैं विवो, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज सबसे पहले आती है एंड वो है एक अच्छा स्टाइलिश सुंदर दिखने वाला, वो भी अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन। जी हाँ, तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि विवो अपना ये जो स्टैंडर्ड है वो कैसे मेंटेन कर रहा है अपने इस स्मार्टफोन मार्केट में, इस इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कैमरा। जी हाँ, अब अगर हम लोग विवो की बात करें, तो हम सब लोग जानते हैं कि विवो का जो सबसे बड़ा पावर एडवांटेज या फिर उसका जो एक बहुत बड़ा की पॉइंट है वो है उसके कैमरास। जी हाँ, विवो के कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जब भी आप कोई विवो का फोन बाय करेंगे या कोई भी यूजर विवो का फोन बाय करता है, तो उसके दिमाग में एक चीज तो रहती ही रहती है कि उसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी होगी वो काफी अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी, फिर चाहे भले वो 12 MP का ही कैमरा क्यों ना हो। जी हाँ, एंड ये विवो का सबसे बड़ा USP है कि वो अपने कैमरास को लेके काफी ज्यादा सीरियस रहता है एंड काफी ज्यादा इनोवेटिव रहता है। एंड यहीं से हम लोगों का अगला पॉइंट निकल के आता है इनोवेटिव इन कैमरा डिपार्टमेंट, या हम लोग कह सकते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट। जी हाँ, क्यों? क्योंकि विवो को देखा जाए तो वो अपने कैमरास को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता है, वो उसमें नए नए इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करता है, वो उसमें काफी ज्यादा इनोवेटिव रहने की भी ट्राई करता है। जी हाँ, अब चाहे आप देख लीजिए कि उसका जो वो गिम्बल स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा था, जो नेक्स्ट लेवल स्टेबलाइजेशन देता है एंड काफी ज्यादा, मतलब आपको एक ऐसा DSLR टाइप का आपको फील दे देता है, जो DSLR गिम्बल होता है वैसी फील दे देता है। फिर चाहे वो आपका OIS देना हो, वो भी सेल्फी कैमरा में, जो कि विवो ने ही शुरुआत की थी कि सेल्फी कैमरा में भी वो OIS देता था। साथ ही साथ यहीं पे हम लोग बात करें तो सेल्फी में ही LED लाइट देना हो, या फिर जो सबसे पहला पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन आया था वो भी विवो का ही आया था। जी हाँ, साथ ही साथ यहीं पे अगर हम लोग बात करें, तो अभी हम लोगों को कुछ रूमर्स ये भी देखने को मिल रहे हैं कि विवो जो है वो अपने एक ड्रोन कैमरा वाले स्मार्टफोन पे वर्क कर रहा है, जो कि 200 MP का कैमरा होने वाला है एंड उसके ऊपर भी वो वर्क करने वाला जो स्मार्टफोन से निकल के शॉट्स लेगा। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि विवो कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल थिंकिंग करता है अपने स्मार्टफोन के कैमराज को लेके, एंड इसीलिए वो कैमरा डिपार्टमेंट या जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो काफी ज्यादा विवो के फोन की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक नेक्स्ट लेवल थिंग्स लेके आते हैं अपने स्मार्टफोन में। लेकिन अगर हम लोग कैमरा से साइड हटें, तो विवो जो है डिजाइन डिपार्टमेंट में भी अलग रहने की ट्राई करता है। अब जैसे आप उसका कलर चेंजिंग फोन ही ले लीजिए, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि ये काफी यूनिक एंड मजेदार चीज है किसी भी स्मार्टफोन यूजर के लिए, कि उसके स्मार्टफोन का कलर चेंज हो सकता है। एंड साथ ही साथ विवो के जितने भी फोन होते हैं वो सब काफी ज्यादा देखने में सुंदर होते हैं, काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड प्रीमियम भी लगते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा पॉइंट है कि विवो इतना अच्छा काम कर रहा है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। और यहीं से हम लोगों का अगला पॉइंट निकल के आता है इम्प्रूवमेंट इन OS। जी हाँ, अब अगर आप लोगों ने शुरुआती टाइम में, यानी कि 2013, 14 या 15 के आसपास विवो का कोई भी स्मार्टफोन लिया होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि विवो के स्मार्टफोन का जो OS होता था वो काफी ज्यादा हेवीली इंस्पायर्ड होता था iOS से। जी हाँ, क्योंकि उसका जो कंट्रोल सेंटर था वो नीचे से स्वाइप अप होकर आता था एंड उसके जो आइकन थे वो भी काफी बड़े बड़े थे, काफी ज्यादा लैगी फील होता था एंड उसमें विवो का अपना कुछ अलग से यूनिक टच नहीं दिखाई देता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विवो ने काफी ज्यादा अच्छे से अपने OS को मैनेज किया, काफी ज्यादा अच्छे कस्टमाइजेशन देखने को मिल गए, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल गए, काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है उसका OS अब पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो। एंड देखने से लगता है कि हाँ, यहाँ पे कंपनी ने अपना कुछ अलग टेक लेने की ट्राई की है एंड ये एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के लिए, कि वो जब अपनी तरफ से अलग टच लेके आती है। एंड यही रीजन है कि काफी सारे अब जो यूजर्स हैं वो विवो के फोन अब उसके OS के लिए भी बाय करते हैं, क्योंकि उनको उसका OS एक्सपीरियंस भी अच्छा लगने लगता है। जी हाँ, जो कि काफी बड़ी बात है कि कंपनी इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको मैं नोटिस करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि विवो एक परफेक्ट ब्रांड तो नहीं है।
कुछ कमियां उसमें भी हैं जिसपे उसे काम करने की अभी भी जरूरत है। रियाई पे कुछ कमियों की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोगों का अगला पॉइंट निकल के आता है उसके फ्लॉज। जी हाँ, अब वीवो का सबसे बड़ा एक जो शुरुआत से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक भी जो फ्लॉज रहे हैं वो है उसकी सिक्योरिटी। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि वीवो के स्मार्टफोन में पहले उतनी सिक्योरिटीज नहीं थी, लेकिन अब काफी उसमें सिक्योरिटीज आ चुकी हैं। लेकिन अभी वीवो का स्मार्टफोन उन स्मार्टफोन्स में तो नहीं गिना जाता जिनको हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खरीदें या जिसमें बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी हो। काफी सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जिसमें वीवो के स्मार्टफोन्स में सिक्योरिटी इश्यूज पाए गए हैं कि डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है या फिर उसमें कुछ अलग अलग फाइल्स डाउनलोड हो जाती है, थर्ड पार्टी फाइल्स अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं एंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि वीवो को काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इस चीज में वीवो ने थोड़ा अपना टेक ले लिया तो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाएगा ब्रांड के लिए। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं एक और इसके जो एक कमी मुझे लगती है वो है प्राइसिंग। जनरली हम लोग देखें तो वीवो के फोन्स तो थोड़े से ओवर प्राइज्ड रहते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी स्मार्टफोन ब्रांड से, एंड वो मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि वीवो एक तरीके का प्रीमियम ब्रांड है, क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को उसमें मिल जाती है। लेकिन फिर भी वन प्लस जैसे फोन से कम्पीट करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत अग्रेसिव प्राइस पे स्मार्टफोन चलाते हैं। एंड ऐसे में वीवो जो है उसको थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा कट नीचे लाना चाहिए अपने प्राइसिंग का एंड थोड़ा सा उसको कॉम्पिटिटिव स्पेस में और आना चाहिए ताकि जो बजट यूजर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा आसान बन जाए उनके भी एक नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन को यूज करने का। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीवो के सारे फोन से बेकार होते हैं या सारे फोन से हाईली प्राइस होते हैं। वीवो ने शुरुआत कर दी है, वीवो T1 ले लीजिए, T1 5G ले लीजिए या T1 X ले लीजिए जो 10-12 हज़ार की रेंज में भी अभी लॉन्च हुआ है। तो ये काफी अच्छे अच्छे फोन हैं, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड ये प्राइसिंग में भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे भी वीवो ने सुधार करना चालू कर दिया है जो कि एक काफी अच्छी बात है। एंड यहीं से ये जो ब्रांड एनालिसिस है ये मेरी पूरी होती है वीवो को लेके, एंड आप अब समझ ही गए होंगे कि क्यों मैं इसको एक DSLR किलर बोलता हूँ, क्योंकि आप इसके कैमरा के बारे में भी जान चुके हैं कि ये कितना नेक्स्ट लेवल काम करता है अपने कैमरास को लेके। आप इसके डिजाइन के बारे में जान चुके हैं, आप इसके OS, आप इसके इंप्रूवमेंट्स के बारे में जान चुके हैं एंड आप इसकी खामियां भी जान चुके हैं कि क्या है एंड क्यों वीवो आज इतना सक्सेसफुल ब्रांड माना जाता है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। सो गाइज, ये तो थी मेरी वीडियो कि वीवो के स्मार्टफोन इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं एंड हम लोग उसको ऐसे DSLR से कंपेयर क्यों करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों का तो जरूर शेयर कीजिएगा जिनके पास एक वीवो का स्मार्टफोन ही है, जो एक वीवो का स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहा हूँ। एंड आपको इनमें से अगर किसी भी पॉइंट का कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि आपको लगता है कि मैंने ये पॉइंट गलत बताया या आपको कोई पॉइंट ज्यादा पसंद आया तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको उसमें से क्या अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं एवरी संडे ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, stay safe, keep exploring and जय हिंद।